गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स के इस वीडियो में आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। इसके पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो लेक्चर कराए हैं, जिसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रॉड का क्या होता है, वो दो वीडियो मैंने बनाए थे, जो मैं आपको इनका लिंक इसमें दे दूँगी। आज हम करेंगे टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ साइड्स 2a 2b एंड मासेज m अबाउट अ लाइन थ्रू सेंटर एंड, यहाँ पर तीन हम करेंगे, पैरेलल टू द साइड 2a, पैरेलल टू द साइड 2b एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास में 2a और 2b भुजाओं वाला हमारे पास में कोई एक आयताकार पटल है, तो अब हम उसका डायग्राम बनाएंगे। 2a और 2b भुजाओं का हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक आयताकार पटल है, तो ये जो आयताकार पटल है, इस आयताकार पटल में ये हमारा सपोज़ मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये आयताकार पटल है। इस आयताकार पटल में ये इसकी जो लेंथ है ये ट्वाइस ए है, और ये जो इसकी ब्रेड्थ है ये हमारी ट्वाइस ऑफ बी है। तो इसमें अब हमें क्या निकालना है कि इस उस रेखा के पारित जड़त्व आघूर्ण निकालना है जो पटल के केंद्र से गुजरे। तो ये जो हमारी रेखा है, ये जो पटल के केंद्र से गुजरती है, यहाँ पर हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना लेते हैं। सपोज़ ये हमारे पास में एक एक्स एक्स डैश एक्सिस है, और ये हमारे पास में एक वाई और वाई डैश एक्सिस है। सपोज़ हमारा हम यहाँ पर एक निकाल लेते हैं कि ये हमारे पास में सेंटर से गुजरने वाली रेखा जो है ये वाई वाई डैश है। अब इसका हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो क्या है, जो पहला हम निकालेंगे जो भुजा के समांतर है, तो इस भुजा 2a के जो समांतर है ये हमारे पास में ये ऐसे घूर्णन करेगी इस तरह से, ये जो पटल है हमारी ए बी सी डी ये इस तरह से घूर्णन करेगी। तो इस घूर्णन के लिए हम इसमें लिखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास में एक ऐसी रेखा है, तो लेट ए बी सी डी बी द रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ साइड्स कितनी हैं, ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एंड सी बी इक्वल टू हमारे पास में है, या सी बी कह दें या हम ए डी कह दें, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, ये हमारे पास में दे रखी है। एंड मास एम इज इक्वल टू कितना है, और हमारे पास में मास एम, मास को हम एम से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो अब इस रेक्टेंगुलर लेमिना का, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेमिना का मास कितना हो गया, या एरिया कितना हो गया, मास तो एम है, तो एरिया हमारे पास में क्या हो गया, एरिया ऑफ लेमिना इज इक्वल टू हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी का कितना रेक्टेंगुलर लेमिना होगा, जो आयताकार पटल है तो आयताकार का मास कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो गया, ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस ऑफ बी, विच इज़ इक्वल टू फोर ए बी। अब मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे पहले हम इसका, तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो गया, टोटल मास हमारे पास में एम है और इसका एरिया है फोर ए बी, तो मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू हो गया एम अपॉन फोर ए बी। अब हम पहले एक स्ट्रिप का मास निकालते हैं, फिर उसको टोटल मास निकालेंगे। तो हमारे पास में सपोज़ हमारे पास में, क्योंकि हमारे हमको 2a के पैरेलल निकालनी है, भुजा 2a के समांतर हमको निकालना है, तो उसके लिए हम एक छोटी स्ट्रिप यहाँ पर बना देते हैं। तो ये हमने एक स्ट्रिप बनाई, इस स्ट्रिप में ये जो इसकी चौड़ाई है ये डेल्टा वाई है, ये लंबाई इसकी ट्वाइस ए होगी सही,
पूरी, और ये जो चौड़ाई है इसे हम डेल्टा वाई मान लेते हैं, और यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक के ये हमारी जो डिस्टेंस है ये हम इसको वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम पी, यहाँ से पी क्यू आर एस, ये हमने स्ट्रिप ले ली पी क्यू आर एस। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू आर एस, वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, एम अपॉन फोर ए बी इंटू ट्वाइस ए इंटू डेल्टा ऑफ वाई। तो यहाँ पर ये हमने निकाल लिया इतना। तो अब आपको मैं दोबारा से यहाँ तक समझाती हूँ, वापस से एक बार देखिए कि हमारे पास में मान लेते हैं कि ये एक्स ओ एक्स डैश एक हमारे पास में ऐसी रेखा है जो पटल के केंद्र से गुजरती है। तो ये हमारे पास में ए बी सी टी ए बी सी डी एक आयताकार पटल है, और एक्स ओ एक्स डैश हमारे पास में ये एक्स ओ एक्स डैश एक ऐसी रेखा है जो कि आयताकार पटल के केंद्र से गुजरती है और भुजा ए बी के समांतर है। अभी हमें ए बी, ये जो ए बी हमारी भुजा है इस ए बी के समांतर निकालना है, तो ये भुजा ए बी के समांतर है। अब हम इस पूरी पटल को छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित कर लेते हैं। तो सारी पट्टियों को दिखाने की जगह मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर एक पट्टी दिखाई है, ये पी क्यू आर एस। इस पी क्यू आर एस पट्टी का हम एक का निकाल लेंगे और फिर हम उसका इंटीग्रल करके सारे का निकाल लेंगे, सारे की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ये पूरी की पूरी जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमने लिया वाई, और ये हमारी डेल्टा वाई इसकी चौड़ाई है। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो ये जो एरिया ऑफ स्ट्रिप ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए इंटू डेल्टा वाई, ये ट्वाइस ए लंबाई हो गई, डेल्टा वाई इसकी चौड़ाई हो गई। अब हमने ये यहाँ पर एक क्या निकाला है कि इस आयताकार पटल की जो इकाई क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, फोर ए बी अपॉन एम, ये जो मैंने अभी निकाला था आपका। इसके बाद में जो पतली वाली स्ट्रिप है, ये जो हमारी पतली वाली स्ट्रिप है, ये जो हमारी पतली वाली स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का हमारे पास में मास क्या निकलेगा, एम अपॉन फोर ए बी इंटू ट्वाइस ए इंटू डेल्टा वाई। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे इसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू कितना निकलेगा इसका, इज इक्वल टू एम अपॉन फोर ए बी इंटू ट्वाइस ए डेल्टा वाई इंटू वाई स्क्वायर। हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मतलब मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये हमारा होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में यहाँ पर ये तो इतना, तो ये हमारा उस स्ट्रिप का मास हो गया, और इसके बाद में ये इसकी डिस्टेंस हो गई। तो अब हमको पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का निकालना है, तो दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर, सॉरी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट एक्स ओ एक्स डैश। तब वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में, यहाँ पर ये माइनस बी से लेकर के और ये बी तक हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल एरिया टू बी है, तो ये माइनस बी से लेके बी तक हम इसका निकालेंगे। तो विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी टू बी एम अपॉन फोर ए बी ट्वाइस ए इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, विच इज़ इक्वल टू एम अपॉन फोर ए बी इंटू ट्वाइस ए इंटू टू जीरो टू बी
वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पर मैंने इसको माइनस बी टू बी को अपने इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर अंदर ये वाई स्क्वायर जो है ये इवन फंक्शन है, तो इसके लिए ट्वाइस ज़ीरो टू बी वाई स्क्वायर डी वाई हमने लिखा यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू, जब हमने इनको कैंसिल किया तो ये हो गया एम अपॉन बी वाई क्यूब बाई थ्री ज़ीरो टू बी, विच इज़ इक्वल टू एम बी इंटू बी क्यूब बाई थ्री, विच इज़ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई थ्री। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना किसकी साइड ऑफ पैरेलल टू ट्वाइस ऑफ ए, वो हो जाता है हमारा पास एम बी स्क्वायर अपॉन थ्री। इसी तरह से जब हम दूसरा निकालेंगे तो दूसरा हमारे पास में क्या निकालना है, सेकेंड हमको निकालना है पैरेलल टू द साइड टू बी, पैरेलल टू द साइड ट्वाइस बी। अब हमको ट्वाइस बी साइड का निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हमने इसका निकाला था, सिर्फ इसका हमारा डायग्राम फ़र्क होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक ये ए बी सी डी हमने एक रेक्टेंगुलर पटल ले लिया, इस रेक्टेंगुलर पटल में जो एक्सिस है वो इसके सेंटर से पास होती है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, ये हमारा ओ है, ये ए बी सी और डी, ये हमारा रेक्टेंगुलर पटल है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है ये ट्वाइस ए है, और ए से डी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी ट्वाइस ऑफ बी है। अब हमें एक जो हमने ये ए बी सी डी आयताकार पटल लिया है, यहाँ पर हम ए बी इक्वल टू तो ट्वाइस ए लेते हैं, और ये वाई ओ वाई डैश है हमारी, ये एक्स ओ एक्स डैश है ये वाली लाइन हमारी। अब यहाँ पर ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए डी इक्वल टू हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ बी, और इसका जो द्रव्यमान का केंद्र है वो है हमारा ओ। अब मान लेते हैं कि जो हमारी वाई ओ वाई डैश वाई ओ वाई डैश एक ऐसी रेखा है जो कि लेमिना के केंद्र से गुजरती है, ये जो रेक्टेंगुलर लेमिना है इसके केंद्र से गुजरती है, और भुजा ए डी के समांतर है, किसके समांतर है, भुजा ए और डी के समांतर है। अब हम इस जो पटल है हमारा जो लेमिना है उसको हम छोटी छोटी पतली पतली पट्टियों में विभाजित करेंगे, फिर हम उस एक पतली पट्टी का एरिया निकालेंगे, उसको मास पर यूनिट निकालेंगे, और फिर जैसे कि मैंने पहले वाले में किया था वैसे ही हम इसको यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे उस पहले वाले में किया था वैसे ही हम यहाँ पर इसको करेंगे। तो ये हमारा सपोज एरिया जो है ये डेल्टा एक्स है, यहाँ ओ से लेके यहाँ तक की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, तो इसको जो एरिया है हमारे जो पतली पट्टी है हमारी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस, अगर मैं इसको नाम दे दूँ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस कितना हो गया ट्वाइस ऑफ बी, ये जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक पूरी ये ट्वाइस बी है क्योंकि इसके पैरेलल है, तो ट्वाइस ऑफ बी इंटू डेल्टा ऑफ एक्स और टू बी डेल्टा एक्स, ये इसकी लेंथ हो गई। अब हम इस पतली पट्टी जो हमको दी हुई है इस पतली पट्टी का एरिया हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का एरिया ऑफ यूनिट एरिया ऑफ, हमने यूनिट निकाल देते हैं, यूनिट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना मास यूनिट एरिया आएगा यहाँ पर, मास पर यूनिट एरिया, सॉरी मास पर यूनिट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर मास कितना है एम और रेक्टेंगुलर का एरिया कितना है ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस बी, वो हो जाता है फोर ए बी। तो जो हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसकी सेहती उसका मास कितना हो जाएगा,
एलिमेंट्री स्टेप का मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, m अपॉन 4ab इंटू, ये हमारे पास में ट्वाइस b इंटू डेल्टा ऑफ x। तो अब हमारे पास में जो स्ट्रिप है y o y डैश, सॉरी दोबारा से लिख देती हूँ, स्ट्रिप पी क्यू आर एस का वाई ओ वाई डैश के पारित मूमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। हम इसको इंटीग्रल करेंगे, पहले हम इस पट्टी का निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा एम अपॉन फोर ए बी इंटू ट्वाइस बी इंटू डेल्टा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मूमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी लाइन। तो ये हमारे वो एम आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास में एम हो गया। तो यहाँ पर अब हमको जब यहाँ पर, तो अभी तक तो हमने क्या इस पट्टी का निकाला है, अब हम पूरे एरिया का निकालेंगे, पूरे पटल का निकालेंगे। तो पूरी रेक्टेंगल लेमिना का वाई ओ वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ से माइनस ए टू प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर माइनस ए टू प्लस ए के बीच में निकालेंगे, माइनस ए टू प्लस ए एम अपॉन फोर ए बी इंटू ट्वाइस बी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू एम अपॉन फोर ए बी इंटू ट्वाइस बी इंटू, यहाँ पर वही ट्वाइस हो जाएगा, हम यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हमारा इवन है, तो ये जीरो टू ए हो जाएगा, ट्वाइस जीरो टू ए इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू एम अपॉन ए इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो टू ए, विच इज़ इक्वल टू एम ए एम अपॉन ए इंटू ए क्यूब बाई थ्री, विच इज़ इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई थ्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या आया, जो पटल का द्रव्यमान है, जो रेक्टेंगुलर लेमिना का मास है वो, और साथ में क्या है, जो पट्टी के समांतर भुजा थी हमारी, उस भुजा की लंबाई की आधी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में जिस भी के पैरेलल हम निकालेंगे उसी का इस तरह से आएगा। पहले हमारे पास में एम ए एम बी स्क्वायर बाई थ्री आया था, यहाँ पर एम ए स्क्वायर बाई थ्री आया। अब इस तरह से हमने इसमें दो निकाल दिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन सेंटर ऑफ द विच पैरेलल टू द, सॉरी हमने क्या निकाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया रेक्टेंगुलर लेमिना का, जिसकी साइड 2a है और जिसकी साइड 2b है, जो कि उसकी जो अबाउट जो लाइन है वो क्या है, सेंटर से पास होती है। ठीक है, तो ये दो हमने निकाल दिए, तीसरा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।